हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी रहेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, जिसमें कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 111, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा है रोम की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, ठीक है। तो आपको रोम की फुल फॉर्म बतानी है। देखिए डियर, रोम की फुल फॉर्म होती क्या है, ये इसकी हम बात करते हैं। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर चला जाता है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द एक्सप्रेशन ऑफ बैन, यानी कि बैन की फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछी है WAN। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में भी करा चुकी हूँ। WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 113, पूछा है कि व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज, यानी कि SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है ASAP की फुल फॉर्म होती है एज सून एज पॉसिबल, जो हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड, यानी कि कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग हम करेंगे, जिससे कि मतलब आपकी शॉर्ट की होती हैं। तो शॉर्ट की आपसे यहाँ पर पूछी है, तो जिसके लिए हम कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सेंटर प्लस सी का, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए डियर, ये क्वेश्चन आपके कॉपर ट्रेड वाले जो छात्र हैं उनके थ्योरी के लिए भी काम करेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115, जिसने पूछा है आपसे कि व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। अब यहाँ पर कट कमांड की बात की है, तो कट कमांड के लिए हम यहाँ पर किस की का उपयोग करते हैं, तो ये होती है हमारी सेंटर प्लस एक्स की का हम यूज करते हैं कट करने के लिए, यानी कि कोई चीज़ हमें कट करनी है कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम सेंटर प्लस एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 116, जिसमें आपसे पूछा है कि सभी का चयन करें कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सिलेक्ट ऑल के लिए हम प्रयोग करते हैं सेंटर प्लस ए का, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है, ठीक है डियर। चलिए देखिए क्वेश्चन आता है 117, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ ए शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन कोई कुछ भी आपने कॉपी किया अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में आपने कॉपी किया, ये तो कंप्यूटर में ही आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपने किसी चीज़ को कॉपी किया और आपको वो कहीं किसी फाइल में पेस्ट करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, तो ये होती है आपकी सेंटर प्लस बी का आप यहाँ पर यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 118, पूछा है आपसे कि व्हाट इज़ द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, कि चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता क्या है। तो चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं D4 का, ठीक है। D4 का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है 119, जिसमें आपसे पूछा है कि विंडोज़ में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है वो न्यू फोल्डर ही होगा, बेसिक सी बातें हैं ये, तो है ना, न्यू फोल्डर होगा। तो यहाँ पर हम राइट आंसर सी ऑप्शन लगा देंगे।
क्वेश्चन आता है 120 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एफ बाई आई। ठीक है, ऐसे में आपको यहाँ हिंदी में गलत दे रखा है, एफ बाई आई की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और शायद मैं ये आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर डिलीटेड फाइल विल बी स्टोरेड। यानी कि जैसे कि आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में कहीं भी कुछ डिलीट करते हैं, कुछ फ़ोन में ऐसे फंक्शन आते हैं कि आपका जो डिलीट, आपने कोई फ़ोटो डिलीट किया, कोई वीडियोज़ डिलीट की, तो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, फिर वहाँ से आपको क्लियर करनी होती है, यानी कि डिलीट करनी होती है। तो आप यदि अपने फ़ोन से या कंप्यूटर सिस्टम से कुछ डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, ये आपसे पूछा है, तो ये आपका जाता है रिसाइकल बिन में, जहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाता है। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन आ जाता है 122 जिसमें आपसे पूछा है कि टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर, विच इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। सेम क्वेश्चन आपका पीछे आ चुका है, ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा सेंटर प्लस सी, यानी कि कॉपी के लिए हम यूज करते हैं सेंटर प्लस सी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन आता है 124, पूछा है आपसे कि विच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी कि कौन सा सुरक्षा सूचना का नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करें, किसी को भी पासवर्ड बताएं बिल्कुल गलत है भाई, ये ऐसा नहीं करना है, हमें किसी को, हर किसी को पासवर्ड नहीं बताना है, चाहे वो फ़ोन का पासवर्ड हुआ, कंप्यूटर का पासवर्ड हुआ, वाईफाई का पासवर्ड हुआ, हॉटस्पॉट का पासवर्ड हुआ, बहुत चीज़ों के पासवर्ड होते हैं, तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए होते हैं, जो हमें हर किसी को नहीं बताने होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, साइबर अपराध कौन सा है, विच वन इज ए साइबर क्राइम। अब आपने सुना होगा आज के टाइम में साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं, ठीक है, तो जिसमें कि हमारा साइबर क्राइम कौन सा है, ऑनलाइन जुआ आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 126 जिसमें आपसे पूछा है कि विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम विद विंडोज़, यानी कि कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है। तो विंडोज़ के साथ क्या आता है ये आपसे पूछा है, तो ये होता है डियर विंडो एक्सप्लोर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच वन इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है जो आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस दिए हैं, जहाँ पर आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं, किसी पौधे का नाम, अपने कोई क्वेश्चन आपका बन रहा है तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप सर्च करके हेल्प ले सकते हैं, तो ये क्या होता है, आपका गूगल होता है। ठीक है, गूगल बाबा होते हैं हमारे सर्च इंजन, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 128 जिसमें आपसे पूछा है डियर कि विच वन इज ए सर्च इंजन। आप देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आपको नहीं पता होगा, तो फ्लिकर, ऑर्कुट, हॉटमेल ये हमारे सर्च इंजन नहीं होते हैं, याहू एक सर्च इंजन है, यानी कि यहाँ हम सर्च कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे गूगल, याहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है ये आप बताएंगे। ठीक है, तो डियर सोशल नेटवर्क क्या बोलते हैं, आपने सुना ही होगा आजकल की सोशल नेटवर्किंग के चक्कर में पड़ गया है वो, या हम कोई ऐप यूज़ करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, तो ये क्या है, एक सोशल ऐप है, तो यहाँ पर हमारे क्या जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हमारा चला जाता है, सोशल ऐप होते हैं हमारे फेसबुक। ठीक है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। चलिए
क्वेश्चन आता है आज का हमारे पास 130, जिसमें आपसे पूछा है कि विच वन इज ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन सा है। तो वेब ब्राउजर कौन सा है डियर, ये होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। तो मिलते हैं डियर आपको नेक्स्ट क्लास में, और क्लास अच्छी लगी हो तो डियर प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। चलिए।